बेटियों ने समाज को अपने प्रति नजरिया बदलने को मजबूर कर दिया है। जहां रेसलिंग में फोगाट सिस्टर्स के कारनामों को देखकर आमिर खान जो है वो दंगल फिल्म बनाने पर मजबूर हुए, तो वहीं अब देशवाल सिस्टर्स ने भी एक ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। माटी भी वही, संस्कृति भी वही, माँ की लोरी भी वही और बापू का दुलार भी वही। वो जन्मी हरियाणा की माटी में, वो माटी जिसे कन्या भ्रूण के लिए कलंक ने कई बार दागदार किया, उसी कलंक उसी सोच को बदलकर रोहतक के देसवाल बेटियों ने न केवल अपना बल्कि हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। रोहतक के हनुमान कॉलोनी में रहने वाले किसान प्रताप सिंह देसवाल का परिवार आज अपनी बेटियों की उपलब्धि से फूले नहीं समा रहा। मिलिए इनसे, ये हैं प्रीति, दीप्ति और ममता, जिन्होंने देश की सेवा का सपना देखा और इनके परिवार ने इनका सपना पूरा होने में इनका साथ दिया। एक पिता के हौसले और भरोसे ने आज इस किसान परिवार की बेटियों को देश की सेवा करने का मौका दिया और अब ये तीनों ही बेटियां आर्मी मेडिकल कोर में लेफ्टिनेंट के पद पर एक साथ भर्ती हुई हैं। इनके सफर में कितनी चुनौतियां रही, इनके पिता प्रताप सिंह से ही सुन लीजिए। आज वे अपनी मेहनत के बलबूते पे तीनों लड़कियां अपने लेफ्टिनेंट रैंक पे जो है अपनी ड्यूटी पे पहुंच चुकी है। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं, अपने भारतवासियों को, भाई अपनी बेटियों को अच्छे तरीके से परवरिश करो और उनको अच्छी पढ़ाओ, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। बेटियों ने अपना सपना पूरा किया और परिवार का सर ऊंचा, आज परिवार जश्न में डूबा हुआ है। हमारी बेटियों ने हमारा इतना नाम रोशन कर दिया और हम इतने खुश हैं कि हमारे परिवार का, हमारे शहर का, हमारे इंडिया का, हरियाणा का, सब का हमारा इतना नाम रोशन कर दिया, तो हर माँ बाप क्यों नहीं चाहता कि अपनी लड़कियों को हम ऐसे ही ऊंचा करें। कुश्ती तो लड़कों का खेल है, बेटियां ये नहीं कर सकती, इस सोच को बदला फोगाट सिस्टर्स और उनके परिवार, और अब इन तीनों देसवाल बहनों ने भी हरियाणा के उस कलंक को फीका कर दिया है जिसने हरियाणा के दामन को कई बार दागदार किया। इन बेटियों ने समाज को अपने प्रति नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया।